मोस्टली हैप्पी करवा चौथ और अ फ्यू अच्छा पता दो दो चीज़ें मतलब दो दो अच्छे खुशियाँ हैं। आज थर्सडे भी है, आज करवा चौथ भी है और मेरे दोनों व्रत आज के दिन हो जाएंगे, ट्यूसडे का भी और करवा चौथ का भी। मैंने रात को कंप्लीट कर ली थी, रात को लगा के 8-9 बजे, क्योंकि उस टाइम बाबू सो रही थी तो मैंने सोचा बाबू सो रही है तो मैं ये लगा लेती हूँ और नाइट में भी फ्री हो जाऊँगी, नाइट में भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी लग जाएगी तो ये। और यहाँ पे मैं फ्री हो गई, रेडी हो गई, अभी हम करेंगे पूजा, कमरा संभालना है। ये देखिए कैसे पड़ा है कमरा, मैडम सो रही है, हमारी घोड़े बेच आराम से सो रही है, ये सोएगी जब तक पूजा वूजा कर लेंगे, अगर बीच में जगती है तो कोई नहीं संभाल लेंगे इसको भी, कहाँ ना ये तो। और सामान जो है तैयारी कर ली है सारी, अब सभी बैठेंगे एक साथ पूजा करेंगे, आगे का व्यू आप लोग देखिएगा किस तरीके से हमारी पूजा करते हैं सुबह की शाम की। और आज देखते हैं कि चांद देव तक कितने बजे उठते हैं, कितना वेट कराते हैं बेचारी भूखी औरतों को, सुबह से भूखी कितना वेट कराएंगे वो, उनको देखते हैं शाम को। और आगे का आप लोग देखते रहिए, जस्ट वेट एंड वॉच एंड वी कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी और जो भी कपड़े वगैरह कड़पते हैं ना वो सारे यहाँ पूजा के जो है जगह पे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम सभी मतलब मम्मी वगैरह हम सारे देवरानी जेठानी पूजा करेंगे साथ में बैठ के। और पूजा का सामान माता जी गणेश जी हमने यहाँ पे जो है चौकी पे सजा लिए हैं और अब बारी बारी से एक एक करके पूजा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी इस टाइम तो यहाँ पे माता जी बनाई और गणेश जी बनाते हैं और उनकी जो है पूजा करते हैं। उसके बाद में हम अर्घ देंगे, तो अर्घ में गए जिसका शूट नहीं हो पाया है क्योंकि मैं अर्घ दे रही थी और शूट करने के लिए कोई फिलहाल में अवेलेबल मतलब था नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से शूट नहीं हुआ है। 12:15 हो गए गाइस, अभी मेरे को क्या पता मेरे बोलते बाबू जग जाएगी, कुल बुलाने लगेगी। मैं तो सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और मैंने जैसे ही बोला और बाबू मारी पटाक से हिलने लग गई। पता है इसको क्या है, चलो पास से बोलती थोड़ा सा क्योंकि आवाज़ में ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही बाबू की वजह से। पता है इसको क्या है ना कि इसको उड़ा देती हूँ मैं चादर वादर मौसम की वजह से, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं उड़ती है। रात को मैं उड़ाती हटा देती, फिर मैं उड़ाती फिर ही हटा देती, बार बार ऐसे ही करती रहती है। अभी इसको मतलब थोड़ा सा आँख खुली मेरे बोलते ही फिर इसने चादर हटा दी, बेबी ने फिर से उड़ा दी इसको। ये देखो पता मौसम ठंडा हो गया तो इस वजह से बच्चों की केयर के खुद की भी केयर रखनी पड़ती है, लेकिन इसको वैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अब 12:15 हो गए हैं, 12:20 होने वाली है, मैं बना के लाई चाय। ये देखिए मेरा चाय गिलास और ये है ना, मैंने फुल तो नहीं थोड़ा सा खा लिया फुल से, पर क्योंकि ना यार सुबह से भूखे प्यासे पानी तक नहीं पिया अभी, अब जाके चाय पीऊँगी। और वैसे भूख बर्दाश्त नहीं होती यार, लेकिन करवा चौथ का व्रत ना ऐसे टाइम पे आता है जिसमें प्यास भी नहीं लगती, मौसम ठंडा हो जाता है तो इस वजह से प्यास तो खैर नहीं लगी है बट थोड़ा भूख लगने आई है तो पी लेते हैं अभी हम चाय। रहना जगाना मत यार, देख इसको नहीं अभी कच्ची नहीं तो मैं रोएगी है। तो हम यहाँ पे भी सजा रहे हैं शाम के लिए थाली और लोटा, तो मैं घर ही डेकोरेट करूंगी, मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया है, मेरे बाबू जग गए मैं इसको साथ में ले आई हूँ। और यहाँ पे देखिए कि हम लोग सजा रहे हैं थाली और लोटा शाम के लिए, इवनिंग के लिए अभी से तैयारी कर लेते हैं क्योंकि शाम का तो मतलब टाइम पता भी नहीं चलेगा कब का निकल जाएगा। बाबू को मैं ये बैठा लेती थी कि बनाती रहूँगी आराम से। बाबू ओ बाबू रुको,
गाइज ये देखिए फाइनल लुक, मैंने जो है थाली लोटा और चलनी को डेकोरेट किया है। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए डेकोरेट। पता है मार्केट से अपन परचेज करते हैं ना तो 250-300 रुपये का सेट पड़ता है, बट हमने इसको मार्केट जैसा लुक दे दिया। थाली को ऑलरेडी बनी हुई है और इसके पीछे जो है पेपर वगैरह लगा के तो ये बनाया है। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया भाई मेहनत करके तो इसलिए बट वैसे लग भी क्यूट रहा है। देखो कितना सुंदर लगता है ना, ये देखिए। तो गाइज यहाँ पे होगी नाइट ऑफ, बज रहे हैं 8:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए हैं अर्घ देखने लिए। चांद देवता देने के लिए निकल तो गया था बट कह के बिल्डिंग से छुप जाता है, तो यहाँ पे सभी लोग कोई फोटो ले रहा है कोई वीडियो बनाने में लगा हुआ है। चांद देवता नहीं मतलब दिखते हैं अर्घ देने के लिए तब तक, उसके बाद में फिर हम लोग जो है देंगे अर्घ, फिर बनाएंगे मतलब खाएँगे खाना पीना। खाना तो यहाँ पर बना दिया था ऑलरेडी, फ्री कर दिया था, थोड़ा बहुत रह गया था। और यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं हम करवा चौथ के साथ अनार चला के, एंजॉय भी हो रहा है साथ में, थोड़ा बच्चे बड़े सभी हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्घ दे रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक है अज्जा, दुगो अज्जा एक एक खटाना करके इनके इस खाने में लेंगे। गाइस चांद देख लिया हमने और अभी हम जा रहे हैं नीचे, लाइट वाइट सारी ऑफ करके। पीछे आपने चांद देखा, देखो ये रहा चांद देवता, सबने दर्शन कर लिए हैं, अर्घ दे दिया है। अब हम जाएंगे नीचे और ब्लॉग के मैं करती हूँ यहीं पे एंडिंग। अब खाना खाएंगे, खाना वैसे बना लिया है, बताते मैं क्या बना। मैंने बनाई है सेवैयों की खीर, आलू छोले की सब्ज़ी, चावल जो नमक वाले नमकीन चावल होते हैं वो, और बनाई है पूड़ी और पानी तो पीना ही है जो कि पी लिया। आपने देखा पिछले ब्लॉग में मिस्टर वीके ने कैसे नाटक कर करके पानी पिलाया। तो गाइस कैसा लगता है करवा चौथ ब्लॉग, अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए जाते हैं हम नीचे। ओके टाटा बाय, टेक केयर, सी यू।